गाइस वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ नाजायज होटल। और जैसा कि तुम सबको याद होगा, इससे पिछले एपिसोड में मैंने अपने होटल के अंदर दो नए चमचमाते रूम रेडी कर दिए हैं। बस कुछ ड्रॉर्स वगैरह मंगानी है और फिर उन दोनों होटल को अपन रेंट पे दे देंगे। सो लेट्स गो, आज के दिन कुछ तगड़ी अपग्रेडेशन भी करनी है भाई। ओके, तो अभी मैं अपने होटल के अंदर आ चुका हूँ। शॉप का सामान भाई से पिछली बार मैंने मंगा दिया था, क्लीनिंग वाले बंदे भी रख लिए भाई इस बार मैंने, देख रहे हो तुम। बस वो फ्रीलांसिंग पे क्लीनिंग वाला मैं हटा देता हूँ, क्योंकि पेट्रोल वाला एक परमानेंट है, उसके बाद एक कैशियर परमानेंट है और वेयर हाउस पे तीन जने लग रखे हैं इस टाइम पे, देख रहे हो तुम। सिस्टम हो रखा है हैवी जोर्स। ये हैट स्टैंड वगैरह और मंगवाने पड़ेंगे कि वैसे इसमें भी तो जमा देते हो तुम हैट वगैरह, इसमें जमाओ ना। ये रही ना, जमा रखिए भाई, जमा रखिए। और भाई कोई आ नहीं रहा तेरे पास? ओ 1300 रुपए हो रखे हैं यहाँ पे। चलो थोड़ी बहुत साफ सफाई मैं ही कर देता हूँ यहाँ पे। अभी क्लीनिंग वाला बंदा रख दूंगा, छोड़ो थोड़ी देर में क्लीनिंग वाला बंदा रख दूंगा। यहाँ पे कोई कस्टमर्स आ रखे हैं। 2 बेडरूम, टू बेडरूम के लिए आइए मांगने। रुक जा, इसको ये वाला दे दिया जाए, क्या कहते हो? रूम नंबर 6 और 7 बने हुए, प्रॉपर बने हुए भाई, ये रेडी होंगे मेरे जाते एक बार देख लूं। और अरे इसके अंदर प्लग्स नहीं लगे हुए ना, रुको। मैंने प्लग्स कहाँ रख रखे थे? अरे यार अब प्लग्स मिलेंगे भी तो नहीं, इसके अंदर रख रखे थे ना मैंने प्लग्स। शिट हो गई गाइस, जब प्लग्स नहीं मिलेंगे बताओ, एंड एंड टाइम पे प्लग नहीं मिलेंगे। ये 1 बेडरूम लेने आया है, तू होल्ड ऑन, तू यही खड़ा रहा है तू, जिससे कि लोगों को रोकेगा बढ़िया मस्त एकदम। यार इस बार प्लग्स मंगाऊंगा ना तो यही रख लूंगा, रुक जाओ मैं ऑर्डर कर ही देता हूँ डिलीवरी में। चलो, और ये रेडी क्यों नहीं है रूम्स मेरे? अरे रेडी हो, रेडी भाई रेडी है भाई। वैसे मैंने बटन मंगा तो बहुत सारे रखे, एक बार मैं देख आता हूँ, क्या पता मेरे को वैसे बटन मिल जाए। यहाँ क्यों रखा हुआ है भाई तू? यहाँ रख, बटन दिखा दो यार, बटन दिखा दो प्लीज प्लीज प्लीज। अभी कुत्ता कैसे भौंक रहा है पीछे, ऐसे कर रहा। गाइस क्या तुम्हें बटन दिख रहे हैं? मुझे नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे, यार मंगाने पड़ेंगे, रुक जाओ इसमें और देख लूं एक बार। नहीं मिल रहे भाई, छोड़ो रुक जाओ, 2 मिनट की डिलीवरी में मंगवा दूंगा मैं, जब तक तो बहुत सारे कस्टमर बैठे हैं। वो दो रूम लेने आया ना जिस बंदे को, तो दूंगा मैं, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं है। अरे कैसे खड़ी है? हाँ यही खड़ी है। डिलीवरी में चलो, इक्विपमेंट्स में नहीं, डिस्प्ले ये रे भाई। 1 डब्बा इसका, 2 डब्बे इसके मंगाओ, नहीं 3 डब्बे, सारे डब्बे इसी के मंगा रहा हूँ मैं, और कुछ मंगा ही नहीं रहा। और कुछ मंगाना था क्या मेरे को? साथ के साथ वो भी मंगवा देता हूँ यार। अच्छा हाँ, अरे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, रुको रुको रुको, डिलीवरी में चलो। ड्रॉर्स दो ड्रॉर्स चाहिए है ना, छोटी छोटी, 1 2 3 4 ये ड्रॉर्स ऐड कर दिए। अब मुझे चाहिए रूम लैम्प, ये वाली ऐड कर लेंगे, 1 2 3 4। चलो फटाफट, फास्ट डिलीवरी, फास्ट 2 घंटे में आ जाएगी, ऑर्डर कर दिए, लेट्स गो। चलो 5:27 तक डिलीवरी आ जाएगी, जब तक मैं थोड़ा लेट जाता हूँ, आराम कर लेता हूँ। हेलो ओके, ये चेकआउट, अरे गलत क्लिक कर दिया इसको मैंने। रूम नंबर 5 चेकआउट हो गया, एक बार मैं देखा हूँ रूम नंबर 5, रूम नंबर 5 ये रहा। ओके 1 2 3 4 ये खोलो, यहाँ पे टावल कौन सी गंदी है, ये वाली, डन। ये रूम भी अपना खाली हो गया है, तेरे को क्या चाहिए? 1 बेडरूम, होल्ड ऑन, तू होल्ड ऑन करके रख, ठीक है। और डिलीवरी एट वेयर हाउस, ओके लेट्स गो, फटाफट चलो। अरे वो लोग अंदर जमा देंगे, अरे गधे गधे के बच्चे हैं, गधे के बच्चे, ले गए सारे आउटलेट्स ले गए। जूत खा के मानोगे क्या? कहाँ रखना है, मत रख उसको, कहाँ रख दिया इसने, कहाँ रख दिया। ओ ये रहा, 1 डब्बा तो मिल गया, ठीक है चलो कोई बात, 1 डब्बे में मैं काम चला लूंगा। अबे कहाँ ले जा रहे हो यार, ये काम की चीजें हैं, मत लेके जाओ ना। साले बेवकूफ बेवकूफ से वेयर हाउस वाले, यूं नहीं अपना काम कर ले चुपचाप, मेरी चीजों को छेड़खानी करेंगे। जा भाई जा, तू जा, तू जा सकता है, फटाफट भग जाए। चलो भाई ये सामान उठाओ, ये सामान उठाओ, ये उठाओ वो उठाओ, ठीक है फटाफट से इनको यहाँ जमाना है, अभी के लिए यहाँ पटक देता हूँ। ये भी उठाओ, ये भी उठाओ। और मैंने इलेक्ट्रिसिटी वाला भाई अपग्रेड कर दिया था क्या? मुझे पता नहीं, अभी ध्यान नहीं आ रहा मेरे को। लाओ अब ये दोनों बॉक्सेस दो मुझे, अरे फ्रंट से अलग, हाँ एक यहाँ एक यहाँ, उसके बाद में रूम लैंप लगेगा यहाँ पे, 1 2। ये देखो भाई सही लग रहा है ना, मस्त तगड़ा लग रहा है, ऐसी थोड़ी है। अब एक रूम लैंप वगैरह उन्होंने पता नहीं कहाँ रख दिया है, ये तो मैं ले आया था एक वहां से, इसको रखो यहाँ पे, इसको रखो यहाँ। अब मुझे ये खोलो, लाओ एक इसको लिया। यहाँ का एसी कहाँ है? एसी भी अंदर रखा हुआ है यहाँ का, यहाँ का एसी तो लगा हुआ है ना, ये दे इसको, दे वो लगा इसके अंदर, ठीक है। ये एक और प्लग लिया, यहाँ पे फ्रिज था ना कहीं ना कहीं, इस वाले में रखा हुआ था फ्रिज, इस फ्रिज का प्लग लगाओ यहाँ पे, इसको लो इसमें लगाओ। अब मुझे 2-4 आइटम लाने हैं, बस 2-4 आइटम लाने। हेलो हेलो, कौन है कौन है कौन है? चला गया, चलो ये दीदी आ रही है, दीदी को एक बार देख लेता हूँ, 2 बेडरूम तो नहीं चाहिए ना कहीं। हेलो दीदी, हाँ बस यही खड़ी रहा। अब मुझे दो भाई सामान दो, अरे यार कहाँ रख रखा है तुम लोगों ने सामान मेरा, लैंप्स वगैरह कहाँ ले जाके रख दिया इन्होंने, कैसे पता पड़ेगी? कतई हराम खोर लोग है भाई ये, बिना बोले जो काम नहीं करना चाहिए वो काम भी करते हैं। मिल ही नहीं रही है, अब लैंप्स ही नहीं मिल रही। ओ मिल गई, एक लैंप मिल गई, एक ड्रॉर और दे दे, ड्रॉर दे दे भाई, ड्रॉर दे दे। ड्रॉर कहाँ रख के आया तू बता दे, देख मेरे को साफ साफ, मैं मार मुरा दूंगा भाई, क्या पता कहाँ रख के आ गया वो आदमी ड्रॉर। एक वैसे एक ड्रॉर यहाँ फेंकी भी थी मैंने, ओ मिल गई ड्रॉर मिल गई। चलो एम्प्लॉय स्टॉप्ड वर्किंग, रुक
जाओ, वो देखने दो कौन ने क्या करना छोड़ दिया। सबसे पहले तो फ्यूल में चलो, फ्यूल ऑर्डर करो, ठीक है। उसके बाद स्टाफ कौन सा पे करो, तब स्टाफ को पे कर दूंगा। अरे पैसे ही नहीं होते मेरे पास। बस एक गैस स्टेशन पे लगा हुआ है कि नहीं ये बताओ पहले। गैस स्टेशन पे लगा हुआ है ना, गैस स्टेशन पे तू लग जा, तू लग जा वेयर हाउस में। बाकी वेयर हाउस वाले सारे रेस्टिंग पे चले गए। दीदी आप थोड़ा गुस्सा मत होना, थोड़ा काम चल रहा है अभी। एसी वगैरह तो मिले ही नहीं है, पता नहीं एसी वगैरह कहाँ रख दिए उसने, लेकिन ठीक है जो भी है। ये है, इसको लगाओ यहाँ, इसको लगाओ यहाँ। और भाई ये रूम भी रेडी हो गया है। भाई ये रूम मैंने थोड़े खाली खाली रखे, कितने सही लग रहे हैं। उन रूम्स को भी मुझे खाली खाली रखना चाहिए था, मतलब इसको मैंने लग्जरी बनाने की कोशिश नहीं करी, बट लग्जरी सा लग रहा है। ज्यादा नहीं भरने चाहिए मुझे मतलब रूम, ठीक है सही लग रहा है। ये भी सही लग रहा है, सब कुछ डन है इसके अंदर। बस इसके अंदर एसी नहीं है, और एसी मुझे पता भी नहीं है कहाँ रखे हुए मेरे। इसमें फ्रिज लगा दिया ना मैंने, बहुत है। चलो भाई डबल बेडरूम्स दूं अब मैं, देने लग जाऊं, बाकी बचा हुआ काम बाद में करेंगे। हेलो सर, वेट अ मिनट, किसी और को आन दो, ये की उठाओ। रूम नंबर 6 और 7 देना है ना मेरे को, 2 बेडरूम। ओके होल्ड ऑन, 2 रूम नंबर ले ले, 7 ये ले। टेक दिस रूम, टेक द पेमेंट, लेट्स गो भाई। नेक्स्ट आंटी जी आ गई है, इनको चाहिए 1 बेडरूम। नहीं है, वेट अ मिनट, और कोई डबल बेडरूम वाले के लिए खड़ा है क्या? नहीं, डबल बेडरूम वाले के लिए और कोई नहीं खड़ा हुआ, सारे सिंगल ही लेंगे। चलो सिंगल में कोई ज्यादा टाइम के लिए ले रहा होगा उसको। चेकआउट करने आ गया एक जना। इस टाइम मेरे पास 4 रूम पड़े हुए हैं ना। हेलो सर, नहीं है रूम ही नहीं है तुम्हारे लिए, 24 घंटे के लिए रूम लेने आए हो। चलो यहाँ से ये रूम खाली हो गए, इनको मैं उठा लेता हूँ। और भाई फटाफट से मुझे इन सबको वॉशिंग मशीन में डालना है, फटाफट सारे ले लेता हूँ लोग। और अब तो मेरी शॉप पे यार खाने का सामान आ गया, क्या मैं खुद का सामान खा सकता हूँ? इसको उठाओ, ठीक है ये सारा सामान उठाओ, इधर डालो। अरे तू हट जा मुंह के सामने से, इन सबको डालो, इसको करो स्टार्ट, ठीक है। ये कुछ टाइलें पड़ी है, इनको उठा के मैं रख देता हूँ। चलो और अब मुझे जाना है अपनी शॉप में, और कुछ खा के आना है खुद के लिए। देखो क्या मैं खा सकता हूँ, हटना रे। ओए अरे ये तो मैंने पूरा उठा दिया, अरे शिट कर दी मैंने। ओ ये कैसे लगा दिया मैंने, हार्ड डिस्प्ले के जैसे लगा दिया गाइस मैंने इसको, देख रहे हो। बट इसको मैं उठा सकता हूँ, रुक जा। ई टू कंज्यूम, गाइस मैं फूड खा के एनर्जी बढ़ा सकता हूँ, लेट्स गो। मेरा भी हेल्थ बार था, मेरे को पता ही नहीं था। 1 बेडरूम नहीं है दीदी। चलो फटाफट फटाफट चलो, सारा कपड़ा धोने में डालने का है मेरे को। सारा कपड़ा यही इकट्ठा करता हूँ, की बार मशीन रुकेगी तो उसमें डालूंगा सारे। एम्प्लॉय स्टॉप्ड वर्किंग, अरे थोड़ा बहुत पैसा लेके आंदो, रुक जाओ। सारे एम्प्लॉयज को वापस काम पे लगाऊंगा, रुक। पैसा उठाओ, पैसा उठाओ, इधर से भी उठाओ, इधर से भी उठाओ। और ओ क्या भीड़ लग रखी है यहाँ पे, मजेदार, लेट्स गो। 2 सेकंड रुको बस, क्या चीज दीदी? नहीं है। हाँ मैनेजमेंट में चलो, स्टाफ में चलो, पे 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 पे, सबको पेमेंट कर दिया है। कैशियर बन रखा है, एक को जाओ गैस स्टेशन पे, दूसरा जाओ वेयर हाउस, तीसरा जाओ वेयर हाउस, चौथा जाओ वेयर हाउस, ठीक है। एक रेस्टिंग पे चलो, डन। नहीं एक रेस्टिंग पे नहीं, इसको डालो क्लीनिंग पे, हो गया। उसके बाद रूम नंबर 1 रेडी नहीं है। रूम नंबर 1 में क्या दिक्कत है बताइयो, ठीक है ये नहीं है। साफ सफाई पूरी है ना, हाँ। चलो सबसे पहले तो एक टॉवल डालो, उसके बाद टॉयलेट पेपर रखा हुआ है, टॉयलेटरी रखी हुई है, देन एक बेडशीट, एक ब्लैंकेट। ये रूम रेडी हो गया, रूम नंबर 1 इज रेडी। किसी को चाहिए तो बोलो, ये लो रूम नंबर 1 चाहिए तुमको, 72 आवर्स के लिए, टेक दिस रूम, टेक द पेमेंट। चलो रूम नंबर 1 दे दिया मैंने। अगला रेडी नहीं है, रूम नंबर 4 है ना, ठीक है। इसके अंदर भी बस बेडशीट बिछानी, ओके टॉयलेटरी भी डालना है, टॉयलेट पेपर, देन एक टॉवल और थोड़ी बहुत टॉयलेट। चलो भाई सब कुछ रख दिया, ये साफ कर देगी वो रूम अभी। जब तक मैं एक ब्लैंकेट रख देता हूँ और एक बेडशीट रख देता हूँ। चलो ये रूम भी रेडी है, बस अभी साफ सफाई होना बाकी है। उसके बाद रूम नंबर आता है 5, जो कि बिल्कुल रेडी नहीं है। ब्लैंकेट भी एक ही है मेरे पास, बेडशीट्स है नहीं मेरे पास इसके लिए। टॉयलेटरी वगैरह रख देता हूँ जब तक, 1, 2 और 10। चलो भाई बहुत सारी रख दी। एक टॉवल भी रखना है मेरे को, ये टॉवल और एक टॉयलेट पेपर। क्लीनिंग वाला बंदा क्या कर रहा है भाई, जल्दी जल्दी साफ सफाई कर दे उधर रूमों में, साफ सफाई कर दे जल्दी जल्दी। हेलो सर क्या चाहिए आपको? 1 बेडरूम एक बार आप दूसरे को भेजोगे जरा। डबल बेडरूम के लिए कोई है? ओके एक डबल बेडरूम के लिए आ रखा है, उसको 6 नंबर दे दूंगा मैं, रूम नंबर 6 देता हूँ। चलो फटाफट चलो, फटाफट चलो। हेलो सर 1 बेडरूम दूसरे को भेजो, और ये सारा कपड़ा भी डाल के आओ मैं धोने के लिए। चलो फटाफट चलो, फटाफट। ये कपड़े धुल गए, इनको डालो यहाँ पे, और इन कपड़ों को डालो अंदर। और कोई कपड़ा बचा हुआ है क्या यहाँ पे? नहीं बचा हुआ। चलो स्टार्ट कर मशीन को। हेलो सर क्या चाहिए आपको? डबल बेडरूम, हाँ। होल्ड ऑन 6 रूम नंबर मेरा रेडी है, ये टेक दिस रूम, टेक द पेमेंट। चलो ब्रो अभी रूम नंबर 4 रेडी है ना, अगर इसको सिंगल रूम चाहिए तो मैं दे दूंगा 1 आवर। अरे 24 घंटे के लिए चाहिए, होल्ड ऑन। चल तू ले ले, टेक दिस रूम, टेक द पेमेंट, लेट्स गो। रूम नंबर 1 भर गया है, 2nd भर गया है, 3rd भर गया है, और 4th भर गया है, 5th खाली है इस टाइम और सफाई हो रही है 5th में, 6th वाला भर गया है, 7th वाला भर गया है। भाई बस एक रूम बचा हुआ ये वाला, और इसमें भी शायद मेरे पास बेडशीट अभी धुली हुई नहीं है। ब्लैंकेट, अरे ब्लैंकेट क्यों रख दिए वाली यहाँ पे, इसको यहाँ रखो। बेडशीट में ओके एक ही आ गई है, बाकी धुलने पड़ी हुई है। अंदर टॉयलेटरी मैंने जमा दी ना पूरी, हाँ ठीक है टॉयलेटरी अंदर रखी हुई है प्रॉपर। ओए गेट बंद मत करके जाया करो, एक टॉयलेटरी भी कंप्लीट हो गई होगी, रुक जाओ। ओके होने वाली 9, 8, 7, 3, 2, 1। ओ आवाज करती है भाई मशीन कि कपड़ा हो गया तुम्हारा, लेके जाओ। फ्यूल पे 3 जने कैसे खड़े हुए? गैस स्टेशन पे काम वाम नहीं चल रहा क्या, क्या चक्कर है? लाओ पहले इस वाले रूम को रेडी करूं फिर देखो। बेडशीट एक ये बिछाओ, उसके बाद ब्लैंकेट। ये रूम भी रेडी हो गया एकदम मस्त टनाटन भाई, सबसे
सबसे ज्यादा पैसा आता होगा इस रूम से, फालतू के आइटम इसी में लगा रखे हैं सारे दुनिया भर। रूम नंबर 5 है ना, ठीक। अभी तेरे को क्या चाहिए? चेकआउट। अरे तू साढ़े कौन सा रूम नंबर चेकआउट करेगा, दूसरा नंबर ला। अबे ये तो साफ था इनमें कई चीजें, तो एक इसने एक बेड बिगाड़ा नहीं ना। हाँ सिंगल वाले बंदे को दिया था मैंने। इनको पटको बाहर। अभी इसमें लगाओ सबसे पहले एक टॉयलेट पेपर, फिर रखेंगे अपन यहाँ पे टॉयलेटरीज। टूथपेस्ट कर लो गाइस, टूथपेस्ट कर लो। अरे वो फिर दरवाजा बंद करके गई है, देखो मेरे को अकेला मत पैक करा करो रूम के अंदर। इतनी फटता रे, एक तो भाई ऐसी फटती है। अभी कोई लड़की बोले अगर मेरे को जाने को तो मैं क्या है? राम 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 राम। ब्लैंकेट डालो यहाँ पे, उसके बाद बेडशीट रखो यहाँ पे, इसको बंद करो, इसको बंद करो। ए गेट खोल। ओके काम हो गया ना। और इसका क्या चल रहा है भाई, लोग इसमें कचरा नहीं डालते क्या? अभी अपना कौन सा रूम नंबर रेडी है? ये रूम नंबर 2 रेडी है। डबल बेडरूम चाहिए क्या किसी को? सारे नल्ले लोग है, कोई कोई है ही नहीं भाई यहाँ। रूम नंबर 2 रेडी कर दिया मैंने, और रूम नंबर 5 का क्या हाल है बताना जरा। रूम नंबर 5 भी रेडी है। चलो दोनों रूम नंबर रेडी है और दोनों साइड डबल बेडरूम ही है, ठीक है। एक बार रूम नंबर में 5 देखा हूं, डबल बेडरूम है ना। हाँ अरे ये तो लग्जरियस वाला रूम है। रूम नंबर 5 कौन आया, कोई आया क्या? ओए मोटेल पे कोई आ क्यों नहीं रहा? बंद कर रखा है क्या मैंने मोटेल? नहीं ऑन है, ठीक है आ जाएंगे। अब मेरे पास 2000 रुपए है, और अब मेरे को देखना है भाई और कितने पैसे कलेक्ट कर सकता हूँ, फिर मेरे को अपना मोटेल ही अपग्रेड करना है। मुझे बहुत सारे रूम बनाने हैं भाई मेरे मोटेल के अंदर, बाकी अपग्रेडेशन करूंगा बाद में। और ये मैंने अपग्रेड कर दिया था ना, ऑटो होता है अब तो शायद, ई टू पुल लीवर। ओके ये मैंने शायद इसको अपग्रेड कर दिया था अपने इलेक्ट्रिसिटी वाले को 2000 रुपए देके। अभी देखता हूँ और अपग्रेडेशन क्या क्या बची हुई। अपग्रेड में चलो, ये देखो पावर रूम मैंने अपग्रेड कर दिया था फुल्ली। फ्यूल स्टोरेज अपग्रेड कर सकता हूँ मैं अभी फिलहाल। और मोटेल रूम्स खुल रहा है 700 रुपए में खुल रहा है। क्यों ना मोटेल रूम खोल दे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी टाइलें पड़ी है भाई, तो अपग्रेड करें क्या कहते हो? करते हैं भाई अपग्रेड। एक और 700 का खोल दे अपग्रेड, एक और लेट्स गो भाई। ये वाले रूम बड़े है ना देखो, क्योंकि अब 900, अरे नहीं बड़े नहीं, फिट हो गई, पैक करो। अब 900 का खुल रहा था। और गाइस ये देखो अपग्रेडेशन हो रही बहुत भयंकर। और अभी आए, ओह सही है, ये देखो तो भाई कितनी जल्दी जल्दी साफ करती है, ऐसे ऐसे साफ करेगी ये। अबे एक एक कूड़ा उठा के लेके गई तो जीवन बीत जाएगा इसका। दीदी मेरी बात सुनो, देखो बात ऐसी है, थोड़ा जोर लगाओ, जोर लगा के पैसा करो, एक साथ 4-5 आइटम। अरे मुझे ही उठाना पड़ा था, दिख रहा है ये, फेंक दूं पहले सामान में सारा। होटल के सामने पड़ा हुआ इतना सारा कचरा। दीदी आप जल्दी जल्दी करो, देखो हाथ दीदी जल्दी चलाओ, मैं नहीं जानता, मुझे चाहिए ये 2-3 4 रूम आज के दिन फिनिश, क्योंकि बहुत सारी टाइलें पड़ी है मेरे पास। ये रूम भी मैं बना के छोड़ूंगा। मोटेल चाहिए मुझे फुल्ली अपग्रेड जोर से। चलो ये कचरा ये क्या है? अरे ये तो ऐसे ही रहता है, लाओ ये भी मैं फेंक देता हूँ। तेरे में क्षमता नहीं है क्या फेंकने वाली? अच्छा दीदी रह गई ना, छोड़ो कोई बात, अरे गलती हो जाती है कभी कभी इंसान से। इसको फेंको बाहर, इसको फेंको बाहर, ठीक है इसको भी फेंको बाहर। कितना कूड़ा है भाई, कितना कूड़ा है। ये फेंको और ये फेंक। चलो यहाँ पे क्या रह गया? अरे ये रह गया होगा एक, ये डस्टबिन में नहीं आता क्या? चल डस्टबिन वाले आइटम मैं इकट्ठे कर ले। तू झाड़ू मार दे, चल फटाफट फटाफट झाड़ू मार दे, ये काम मैंने कर दिया। अरे एक और रूम भी तो खोला है। अबे ये किस तरीके से दरवाजे दिए? इसका दरवाजा इधर क्यों है? ये क्या पागलपंती है? लेकिन ठीक है इसका दरवाजा इधर है, तो बगल में एक कूड़ादान है। अभी सब कुछ गेट पे फेंको। वो एक सेल्फ मिल गई मेरे को, सेल्फ, अच्छा सेल्फ नहीं है ढक्कन है। और ये लाइट कैसे गई जरा बताना मेरे को, ये लाइट कैसे जा सकती है? मैं गुद्दी लाल कर दूंगा, बकवास नहीं की। ए क्या सीन चल रहा? चल लाइट तो आ रही है, बट ये लाइट बंद क्यों हो जाती है, कम क्यों हो जाती लाइट? और भाई यहाँ पे कोई पेट्रोल भराने क्यों नहीं आ रहा? अरे यार भाई पेट्रोल भराने आ जाओ, ऐसे मत करो, समझ में आ रही है तुम्हें? मेरा स्टाफ जो है लगा पड़ा हुआ है पेट्रोल भरने के लिए, लेकिन पेट्रोल भरने ही नहीं आ रहे, तो रेस्टिंग पे जाते पड़े, पेट्रोल तो भर नहीं रहा। वो दो जने आ गए डबल बेडरूम लेने आ गए। कौन सा रूम दूं, कौन सा रूम दूं इनको? लग्जरी वाला रूम दूंगा, लग्जरी, ठीक है। रूम नंबर 5 दे देता हूं। आजा भी आजा आजा। हेलो सर आपके लिए रूम नंबर 5। मैं जानता हूं सर। अरे गोली नहीं, कूड़ा फेंका तूने, मार दूं। वो अच्छा आदमी था भाई, गोली निकालते ही नहीं फेंका इसने कूड़ा। एक दिस रूम भाई, मजा आ गया। चलो कुछ नहीं फेंका, बढ़िया है। और गाइस अगर मैं इनको अभी मार दूं क्या ये मर जाएंगे? और मेरा रूम का पैसा भी बच जाएगा, इन क्यों बचाना है? इन एक सेकंड मारूं क्या? ओ अरे मार ही नहीं पा रहा भाई। ये एबिलिटी सिर्फ चोर के अंदर है, अपन नहीं कर सकते कुछ। ये एबिलिटी सिर्फ चोर के अंदर है, चोर ही मार सकता, अपन नहीं मारते भाई। चलो भाई सीलिंग करी जाए फटाफट फटाफट, ठीक है। सारा आइटम दो, ये सीलिंग का आइटम है सारा का सारा। एक एक रूम करके रेडी करते हैं, ठीक है, क्योंकि सीलिंग वगैरह पुरानी वाली पड़ी है मेरे पास, तो यही लगाऊंगा मैं पूरे में। ओके इसको लगाओ पूरे पे, ये लगेगा यहाँ तक, एक ये एक, और ये हो गई सीलिंग पूरी। अच्छा नहीं अभी बच रही, यहाँ पे भी सीलिंग पूरी हो गई। नेक्स्ट रूम भाई, अब की बार अलग सीलिंग मंगाऊंगा, टेंशन मत लो। बस ये जितनी सीलिंग चल रही है उतनी चल जाए एक बार, उसके बाद जो ऊपर वाले फ्लोर होने वाले ना उनके लिए सीलिंग अलग मंगाऊंगा। फ्लोर दो, ये दो। यार ऑरेंज वाले टाइलों का क्या करूं, वापस भेज दूं क्या? लाओ फ्लोर दो, फ्लोर तो ज्यादा है ही नहीं मेरे पास, 52 ही फ्लोर बचा हुआ है। ये रही दीवार और ये हो गई आधी पेंट, ये क्या है ये भी। और एक सेकंड भाई, अरे फ्यूल पे लोग बाग खड़े हुए और मैंने फ्यूल वाला ऑन ही नहीं कर रखा है। कर लो, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, फ्यूल पे किसी को लगा ही नहीं रखा मैंने। गैस स्टेशन जा भाई तू फटाफट। नो कॉश रजिस्ट्रेशन फाउंड है, नो कैशियर। अरे कैशियर नहीं, गैस स्टेशन भाई, कैश। हेलो सर क्या चाहिए आपको? 1 बेडरूम। होल्ड ऑन, ये रूम पड़ा हुआ है। ओ ये तो साफ सुथरा रूम है। डबल बेडरूम लेने आया क्या कोई? कोई नहीं लेने आया। सिंगल बेडरूम सर अभी के लिए है नहीं मेरे पास, बात कुछ ऐसी। आप जरा जाइएगा, दूसरे सर आइएगा। हेलो सर, नहीं है, चला कम टाइम के लिए और लेने आते हैं भाई। ये अबे रूम नंबर 1 है तो सही मेरे
पास? अबे नहीं 10 है बे पागल। अच्छा मैंने कई सारे नए रूम खोल दिए ना। हाँ हेलो सर, नहीं है जाओ। चलो भाई फ्लोरिंग वगैरह दो। और अरे यार ये फ्लोरिंग क्यों करी मैंने? ठीक है दूसरी फ्लोरिंग कहीं और करेंगे, दूसरे वाले रूम में करेंगे। एक और फ्लोरिंग थी मेरे पास, मैं भूल गया था। और ये टाइलें पड़ी बाहर की, ये वाली फ्लोरिंग दे मेरे को, ये वाली फ्लोरिंग होगी इसके अंदर। देखे तो सही कैसी लग रही। नाइस, ये दो इसको डालो इस पे, ये पूरी पे हो। ये देखो भाई ये रूम भी सज गया पूरा बाहर से मस्त। अपने को बाहर कुछ नहीं करने का, एक टाइल चुन रखी है वो चुन चुन के लगानी होती है बस। ये देखो ये भी हो गया बाहर से, सही सही लग रहा है भाई बाहर से तो, यही सही लग रहा है। और एक सेकंड, इसमें 100 है ना और इसमें 70 है, लाओ इधर लाओ। सब कुछ कर रखा है, यही नहीं कर रखा ये बोर्ड हटा यहाँ। हाँ अब यहाँ पे क्या नहीं हो रखा, ये नहीं हो रखा एक तो है। अब ये हो रखे हैं सारे, हो रखा है ये नहीं हो रखा बस इतना सा। चलो ये पूरा हो रखा है, उसके बाद यहाँ भी हो रखा है पूरा। ये कब कर दिया मैंने इतना सारा, पीछे भी कर सकता हूँ ये मैं, देख रहे हो तुम। ओके नाइस, मैंने कर रखा है ये पूरा। इसको यार को हेलो सर क्या चाहिए आपको? वन बेडरूम है ही नहीं मेरे पास, डबल बेडरूम को लेने आ नहीं रहा है। अभी ये वाली फ्लोरिंग दो और मुझे कुछ खा के आना है यार, भूख लग रही है मेरे को बड़ी जोर से। ये पूरी पे लगा दिया, अरे खत्म हो जाती है टाइल एक तो एक एक करके। लाओ ये वाली फ्लोरिंग कर देता हूँ जब तक। ये यहाँ तक लगा दी, हो गया काम। और बचा हुआ है अभी मेरे पास माल, को लगाओ ये लगाओ ये लगाओ ये लगाओ ये लगाओ, चलो लेट्स गो। और है क्या? ये तो दीवार का माल है, दीवार का माल ये हो गया, उसके बाद ये हो गया। ओके फ्लोर का माल और है, हो गया। उठाओ यहाँ से बोरिया बिस्तरा उठाओ और इसके अंदर जाओ। इसकी रूफ नहीं हो रखी ना। हाँ ये लो ये होगी, ये फ्लोरिंग इसमें नहीं करनी, ये फ्लोरिंग को वहां पटको। हाँ भाई अभी क्या चल रहा है ये बताओ? शॉप पे कस्टमर सही निपट रहे हैं, फ्यूल के सही निपट रहे हैं। अभी मुझे थोड़ा सा सोना है, निन्नी निन्नी करनी है। दीदी नहीं है मेरे पास। गुड नाइट गाइस, कल के दिन मिलेंगे। सोते रहो जीवन भर, सो मस्त एकदम। सोने का ही काम है अपने पास, कोई काम नहीं है। ओ पांच कस्टमर। अरे चेकआउट वाला खड़ा हुआ, ये आदमी चेकआउट वाला खड़ा हुआ है, इसलिए खड़ा हुआ है। कोई डबल बेडरूम लेने आया क्या? कोई लेने नहीं आया, एक ही डबल बेडरूम लेने नहीं आया। चलो भाई अब ये वाला वॉलपेपर लगाएंगे किसके अंदर, मैं बताता हूँ। देखो मस्त क्या उच्चक उच्चक के काम करता है ना, सो के उठ के लाओ इस पे लगाओ पूरी पे। अबे दिख क्यों नहीं है? अबे लैंप्स ला के दो मुझे पहले। सीलिंग लैंप है नहीं, डोर लैंप, अरे लैंप वगैरह मंगाऊं? रुको भाई देना, अरे देना लैंप देना थोड़ी बहुत। इक्विपमेंट्स में चलो, सीलिंग लैंप्स में चलो, 1 2 3 4 5 6 तीन रूम खोले ना। हाँ तो 6 ये। और भाई चिंगचेंग वाला रूम बनाए क्या? चिंगचेंग वाला रूम छोड़ो, चिंगचेंग वाला रूम नहीं बना रहे, ये मंगाते हैं 1 2 3 है ना। उसके बाद बाथटब मुझे दो तुम, 1 2 3 देन सिंक चाहिए मेरे को डबल वाली, 1 2 3 टॉवल दे दो। टॉवल इस बार ब्लैक मंगाता हूँ मैं, 7 पैकेट नहीं चाहिए भाई, 1 2 3 बहुत। टॉयलेट सीट दे दो, ब्लैक कलर की मंगाऊं क्या? नहीं ब्लैक, हाँ उरी ब्लैक सही लगेगी। एक रूम के लिए तो ब्लैक मंगा देता हूँ, बाकियों के लिए व्हाइट ही मंगाता हूँ, क्योंकि फ्लोरिंग एक में ब्लैक करी ना, उसमें ब्लैक टॉयलेट वो लगाएंगे। टॉयलेट हीटर चाहिए वही महंगे वाले बढ़िया एकदम। ये कर्टेंस ला के दो, कर्टेंस एक रूम में भी नहीं लगाई मैंने तो। 1 2 3 4 दो रूम की हो गई, 3 रूम की 4 रूम, ठीक है एक ज्यादा आ रहा है। छोड़ो सीट्स वगैरह लगाएंगे भाई अब की बार रूमों में, ठीक है। तो सीट के लिए, सीट की जगह सोफा लगा देते हैं। और सोफा कौन सा लगाया जाए? पर्पल कलर का बेड है क्या? पिंक कलर का बेड है यार। बार भी रूम बनाने के, बार भी रूम बना लेते हैं बोल के। अब एक ये वाला सोफा देते हैं, ये वाला ऐड कर लेते हैं। 1 2 3 तीनों में नहीं यार, एक में रखेंगे बस, बाकियों में ये 2 3 स्टूल, 1 2 3 4 4 स्टूल ऐड कर लिए, ठीक है। रूम लैंप्स के अंदर मुझे चाहिए 1 2 1 2 और 1 2 ये वाली ऐड करेंगे। टेबल लेते हैं अपन, टीवी रखेंगे इस बार है ना, टीवी रखेंगे तो 1 2 3 डेस्क नहीं चाहिए। और यही वाली कबर्ट अच्छी है, 1 2 3 ड्रॉअर दे दो, 1 2 3 4 5 6 और भाई ये कार्ट में आ भी रहा है कि नहीं सामान? ट्रक में खोलो, अरे ट्रक में भी भाई इनके जूत मारू। सिंक कम कर दे, एक और कम कर दे नहीं अभी भी काम नहीं चल रहा इसका। फिर तू बाथटब कम कर दे, और तो क्या ही बताऊं। चलो ऑर्डर कर, स्लो वाला नहीं फास्ट वाला चाहिए, ठीक है। यू डोंट हैव इनफ मनी? अबे इनफ मनी साले, मनी तो मेरे पास इतनी है ना। चेकआउट कर जरा, मैं बताऊं इनको, मेरे साथ बातचीत है बड़ी कर रही है। रुक जा, कौन सा रूम खाली करके गया तू? रूम नंबर 2 रेडी है ना, ठीक है। डबल बेडरूम रेडी है और एक रूम खाली हुआ है अपना, ये वाला, इसको खोलो और ये लो। चलो यहाँ पे सबसे पहले तो ब्लैंकेट बिछाते हैं, उसके बाद एक बेडशीट बिछाते हैं, ठीक है। एक टॉयलेट पेपर, एक टॉवल, फिर कुछ टॉयलेट। चल भाई लेट्स गो, ये सामान उठाओ, इसको डालते हैं धोने में। और तू यहाँ क्यों खड़ा है रे? अरे वेयर दिख सारे यहाँ खड़े हैं, पता नहीं किस बात के लिए। क्या क्या हुआ है यहाँ बताना जरा मुझे। ये भर गया क्या मेरा? ये भर ही नहीं सकता मेरा कभी जीवन में, पूरा खाली पड़ा है। फिर तुम लोगों को क्या दिक्कत हुई? दिक्कत कुछ नहीं हुई, पिटाई मांग रहे भाई ये। रेस्टिंग पे डालो सब, चलो बाद में काम करना, ठीक है। अभी मूड नहीं है ना तुम्हारा, मूड नहीं है तो रेस्टिंग पे जाओ। एक रूम नंबर है ही नहीं। चलो रूम नंबर 2 रेडी है। और अरे ये कपड़ा तो यहीं पड़ा है आधा, बंद करो। ये भी डालो सामान, अब चालू करो। अभी वापस से गाइस स्टाफ को लगा देते काम पे, वो सब चले गए वहां से तो शायद काम करने लगेंगे। वेयर हाउस, ठीक है। दीदी क्या चाहिए आपको? 1 बेडरूम नहीं है मेरे पास। ओके ये रूम मैंने रेडी कर दिया था, ठीक है। अभी कौन सा रूम खाली हुआ? अरे अभी एक रूम खाली हुआ है। रूम कौन सा खाली हुआ? ये तो भरा हुआ है, ये रेडी है, ये रूम खाली हुआ क्या? अबे रूम कौन कौन से खाली है मुझे ये नहीं पता रहते। देखो रूम नंबर 2 रेडी कौन से है ये देखना, यहाँ से देखता हूँ। रूम नंबर 2 और 4 रेडी है, ठीक है। 2 और 4 रेडी है,
लो अब बताओ सर आपको क्या चाहिए, टू और फोर दोनों ही सही, नहीं एक सिंगल बेडरूम एक डबल बेडरूम, हेलो सर वन बेडरूम चाहिए ना, होल्ड ऑन ये लो वन बेडरूम लो आप, टेक दिस रूम, चलो नेक्स्ट आओ नेक्स्ट आओ, और एम्प्लॉयज स्टॉप्ड वर्किंग, अरे ये मत क्या करो यार ये मत बोला करो, गुस्सी आ जाती है बहुत जोर, गैस स्टेशन वाले को पे करो, कैशियर को पे करो ठीक है, और क्लीनिंग वाले को पे करो, और एक इसको पे करो, इसको लगाओ वेयर हाउस पे, इसको भी पे करो, इसको भी पे करो वेयर हाउस पे, चलो तुम सब ठीक है। हाँ दीदी क्या चाहिए, अरे वन बेडरूम तो पहले बोलना था, 96 आवर्स के लिए और ले रही हो, डबल बेडरूम लेने वाला कोई नहीं है, चलो दीदी आप ये ले लो, होल्ड ऑन टेक दिस रूम, टेक दिस रूम, टेक द पेमेंट, कोई नहीं है भाई कोई नहीं है, मोटल कर दो बंद ठीक है, मेरे पास है ही नहीं, अरे खाली हो गया, अरे रूम नंबर 6 खाली हो गया, मोटल ऑन करो, मोटल ऑन करो, बंद करने की कोई जरूरत, हेलो दीदी जाओ थोड़ा थोड़ी देर बैठो तुम जाके ठीक है, अरे आओ सर, अरे तुम्हारी धूत पे चाटा बजाऊंगा जोर, अरे दीदी नहीं है दीदी जाओ, ये लेके जाओ डायनासोर है, ब्रेक नहीं है मेरे पास, कोई ब्रेक मांगे तो डायनासोर लेके जाओ, चेकआउट हो गया, ये रूम नंबर कौन सा चेकआउट हुआ, तीसरा रूम नंबर चेकआउट हो गया, लाओ तीसरा रूम नंबर में क्या दिक्कत है भाई ये बताओ, खोलो दरवाजा खोलो, एक दो तीन चार गेट खोलो, एक ये लो वापस से लो फ्यूल हो गया है, ये मैं धोने डालने आया था, ये मेरा पोता है और इसका धोने के लिए पानी नहीं, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, मशीन ऑन करो, अभी पहले फ्यूल भराते हैं, और फ्यूल भराने से पहले एक अपग्रेडेशन करनी है मेरे को फ्यूल वाली, कितनी हो रही 1500 में हो रही ना, अरे 1500 है ही नहीं मेरे पास, रुक जा लेकिन करके रहूंगा मैं, फ्यूल वाला फुल्ली अपग्रेड करूंगा मैं, कुछ भी हो जाए पैसा खूब है मेरे पास, ये देख रहे हो तुम 1300 रुपए यहाँ से आ गए, छोटी मोटी बातचीत समझ रखी है तुम लोगों ने, छोटी मोटी बातचीत, अरे लाओ और पैसे दो, थोड़े से और पैसे दो, चलो झटके से रुपए आ जाते हैं झटके से, सर क्या चाहिए आप, चेकआउट चाहिए ले लो ना, मना करिए मैंने, अपग्रेड में चलो फ्यूल में चलो अपग्रेड करो ठीक है, फ्यूल स्टोरेज फुल्ली अपग्रेड हो गया है मस्त एकदम, अब कितना पेट्रोल आएगा इसके अंदर, डिलीवरी में चलो फ्यूल में चलो 1000, हाँ इतना तो पैसा नहीं है मेरे में, कंगला हो गया गाइस कंगला हो गया, लो 1300 का भर दे ठीक है, हाँ तेरे को क्या चाहिए रे, वन बेडरूम चाहिए, होल्ड ऑन कर, रूम नंबर 6 खाली हुआ है अभी और रूम नंबर 3 खाली हुआ है ठीक है, और ये तीन रूम मैंने नए खोले थे, रूम नंबर 3 रेडी नहीं है ना, इसको रेडी करता हूँ पहले, बेडशीट बिछाओ, बेडशीट बिछाओ, ब्लैंकेट बिछाओ, ब्लैंकेट बिछाओ, एक टॉयलेट पेपर रखो, ये टॉवल लेके चलो यहाँ से, एक टॉवल लटकाओ, उसके बाद टॉयलेटरी नंबर 1 2 3 4 5 6 और 7, चलो ये रूम भी डन 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 डन, ओके डन डन डन, रूम नंबर 3 रेडी है भाई, क्या चाहिए दीदी आपको, वेट अ मिनट कोई दूसरा हो, रूम नंबर 3 रेडी है ना, इस की को रखो यहाँ पे, अब रूम नंबर 6 देखना है मेरे को, हेलो सर नहीं है रूम, नहीं है सिंगल बेडरूम है ही नहीं मेरे पास, डबल बेडरूम के लिए कोई आ नहीं रहा क्या, अरे आ जाओ यार, रूम नंबर 3 रेडी है ना, 6 वाले रूम नंबर को देखना है, ओके ये गंदा कर दिया, ये गंदा कर दिया, उसके बाद ये गंदा कर दिया, चलो जल्दी चलो, नाचे दिए तू मिट्टिए, कहीं जैसे इधर उधर हो जाता हूँ, लाओ सारा कपड़ा दे दो इनको फेंको इधर ठीक है, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, इसको करो स्टार्ट, और भाई ये फालतू के डब्बे बेच दूं क्या, सारे खाली हो गए ना डब्बे, लाओ यार ये खाली हो गए ना, पक्की बात है ना, खाली तो हो गए, हाँ ये खाली हो गया है, ये खाली हो गया है, जिसपे एकदम व्हाइट व्हाइट है ना वो खाली हो गए, ये खाली, ये खाली है, ये खाली है, ये खाली है, ये खाली नहीं है, ये खाली नहीं है ठीक है, ये इसका भी नहीं पता मेरे को, बाकी कुछ नहीं बेचा, और भाई नए वाले रूमों में कारपेट नहीं बिछा रखी मैंने, अरे थोड़ी थोड़ी शिट हो जाती है गाइस, थोड़ी थोड़ी शिट, लाओ ये कारपेट बिछाओ यहाँ पे, डन ये डब्बा दे दो मेरे को, और इसमें क्या दिक्कत है, अच्छा रूम रेडी नहीं है ना अभी, बेडशीट में जाओ, अरे ब्लैंकेट ये वाले नहीं बिछाने यार, ये वाला ब्लैंकेट तो मैं बिछा सकता हूँ, बेडशीट में चलो पहले तो व्हाइट बेडशीट बिछाओ, बेडशीट व्हाइट बेडशीट बिछाओ, एक ब्लैंकेट और दे दो व्हाइट कलर का, फिर ये रूम रेडी हो जाएगा, अंदर टॉयलेट पेपर रखना है, एक टॉवल रखना है, और टूथपेस्ट खत्म हो गया है, टूथपेस्ट रख देता हूँ, टूथपेस्ट, चलो भाई ऑल सेट भाई, ये रूम तो सेट हो गया है, बस एक ब्लैंकेट नहीं है यहाँ पे, ये टॉवल धोने की है, इसको लेके चलो यहाँ रखो, हेलो सर वन बेडरूम, दूसरे को आने दो जरा यार, डबल बेडरूम लेने आ जाओ ना भाई, वरना सिंगल बेडरूम वाले को देता हूँ मैं, रुक जाओ, अच्छा पूरा भरा हुआ है कहाँ से आएगा, चलो भाई सब कुछ साफ कर दिया यहाँ का मैंने, पार्किंग लॉट्स और खोलू, नए पैसे नहीं है फिलहाल, 12 आवर्स के लिए एक रूम चाहिए नहीं है, हेलो सर क्या चाहिए, 12 आवर्स के लिए चाहिए नहीं है, सब चले गए, अभी रूम नंबर 6 में एक ब्लैंकेट बिछानी है, ये भी रेडी हो जाएगा, जल्दी चलो जल्दी चलो, ये सारा सामान उठाओ, इसको इधर डालो, ये उठाओ, इसको इसमें रखो, रूम नंबर 1 डन है, रूम नंबर 2 डन है, थ्री खोलो, और ये भी डन हो ही जाएगा, 2 सेकंड रुको, इसके वैसे ब्लैंकेट वो आ तो गए, देखो ब्लैंकेट ये वाले आ तो गए, ये बिछाता हूँ मैं, ये वाला ब्लैंकेट उठाओ और इसको बिछाओ, ये लो अंदर डन है ना, ठीक है भाई ये रूम भी रेडी हो गया, लेट्स गो, अब बस कस्टमर्स की देरी है, कस्टमर्स आएंगे कैसे यार, पार्किंग लॉट ही नहीं खुले हुए, क्या चाहिए दीदी आप, वन बेडरूम चाहिए ना, रुक जाओ होल्ड ऑन, आप ले लो तीसरे रूम नंबर दे दूंगा, तीसरा रूम नंबर ये वाला है ना, ठीक है इसको देता हूँ मैं तीसरा रूम नंबर, टेक दिस रूम, टेक द पेमेंट, अरे छट्टा दे दिया मैंने गलती, अरे कोई बात नहीं भाई, थोड़ा बहुत तो पैसा आया, थोड़ा बहुत पैसा यहाँ से उठा लेता हूँ मैं, ओके 450 रुपए आ गए, यहाँ से आ गए 120 रुपए, यहाँ से आ गए मेरे पास
100 रुपए। और भाई आप देखो पेट्रोल कितना है, 1170। टेलीफोन बूट अपग्रेड करूं क्या? नहीं यार, बस स्टैंड अपग्रेड करता हूं तो और ज्यादा कस्टमर्स आएंगे। देखो अपग्रेड में चलो, बस स्टैंड कहां है। और पॉपुलैरिटी भी बढ़ा सकता हूं मैं अपनी, 1000 रुपए में बढ़ रही है भाई, क्या मैं बढ़ा दूं? 3, 2, 1 नाजायज होटल, लेट्स गो। मोटेल लिखा होना चाहिए था ना, होटल कैसे लिखा हुआ है? होटल हो गया क्या ये? अच्छा मैंने खुद ने होटल लिख रखा है। देख के आंदो एड देख के आंदो। भाई पॉपुलैरिटी बढ़नी तो चाहिए, 20% बता रहा है, देखते कितना फायदा होता। ओके नो वैकेंसी, अरे यार होटल भरे हुए हैं ना इसलिए नो वैकेंसी बता रहा है, है तो शिट वाली बात नहीं होगी। अरे लो करवा ली ऐसी तैसी, मैं जाता हूँ सो। लेकिन ठीक है एक बारी तो पैसे लगेंगे, वो परमानेंट लग गया ना बोर्ड, फिर क्या दिक्कत है। बाकी भाई अपने होटल का स्टार नहीं बढ़ रहे हैं, पता नहीं क्यों अपग्रेडेशन नहीं चल रही ना, थोड़ी सी कम अपग्रेडेशन चल रही है इस चक्कर से। कोई बात नहीं वो भी बढ़वा देंगे, अभी देखते जाओ बस। यू हैव बीन रॉब्ड, मार खा भाई, ये मार खाएगा कहाँ पे? कौन है तू? ये है कहाँ से रॉब हो गया भाई मैं? अबे चला भी गया क्या वो रॉब करके? ये क्या बात हुई भाई, चिढ़ा के चले गया वो आदमी है। अबे रॉब करने आया भी था कि नहीं भाई? सामान तो चोरी हुआ है और पता नहीं कितना चोरी हो गया। अरे यार भाई गधे गधे से लोग आ जाते हैं यार, एक तो घटिया लोग है भाई। छोड़ो भाई अब मैं क्या ही बता सकता हूँ। आओ भाई आओ, कोई तो एक रूम लेने आओ, एक डबल बेडरूम लेने आया एक इंसान, उसको दे दूंगा डबल बेडरूम। आ जा, अरे आज जा, क्या देख रहा है भाई? नहीं देखा मैंने तेरे को, तू लड़की के साथ आया समझ गया मैं, टेक दिस रूम। चल तू कहाँ जा रही है, तू रूम नहीं है मेरे पास, बकवास नहीं करना। लाओ भाई पहले तो बाहर वाला सारा माल लगा दूं जितना भी है मेरे पास। एक येरा इसको लगाओ यहाँ तक, उसके बाद ये बचा हुआ माल ये है क्या? अरे नहीं ये तो फ्लोर का माल है। बचा हुआ माल कहाँ रखा है भाई? यही तो रखा था मैंने। यहाँ से रॉब करके ले गया क्या वो आदमी? क्या करा है उस आदमी ने? वो आदमी लेके क्या गया मुझे ये बताओ पहले। छोड़ भाई मैं करता हूँ इसके अंदर की फ्लोरिंग वगैरह। लाओ एक एक करके टाइल दो, ये फ्लोर हो गया पूरा यहाँ का, बचा बाथरूम का फ्लोर, उसके बाद ये वाला। अब मुझे दो तुम सीलिंग, ठीक है? अच्छा सीलिंग नहीं है ये है वॉल, इसको लगाओ, उसके बाद ये लगाओ। चलो भाई वो खत्म हो गया, इस वाले रूम में देखते हैं। ये लग गया इस रूम में पूरा का पूरा फ्लोर। अरे कम पड़ गया, रुक जाओ आ रहा हूँ वापिस आ रहा हूँ। लाओ ये वाली दीवाले करने वाला हूँ दोनों में, और ये वाला एक में फ्लोर रह गया है बस। चलो सीलिंग भी तो रह गई है, तुम स्टे नहीं कर रहा भाई, तू तेरी औकात ही नहीं होगी स्टे करने की, इसलिए तो तू कर नहीं पा रहा। पैसा ज्यादा लेता हूँ मैं, कम पैसे में स्टे कराता ही नहीं हूँ किसी को, समझ में आ रही है? चलो और यहाँ पे ये क्यों आधा क्यों रह गया, ये करो पूरा डन। भी रह गया चलो। और भाई ये बाथरूम के अंदर ये वाली सीलिंग बढ़िया लग रही है, ये वाली, अरे सीलिंग कह रहा हूँ मैं, दीवार। ये सारे डब्बे उठाओ यहाँ से, अरे नहीं अभी के लिए डब्बे मत उठा, ये वाला पेंट ही तू इधर भी कर दे, ठीक है? अब सही है, एक अंदर भी कराता हूँ। हाँ अभी ठीक है, इसको भी कर दे। चलो लेट्स गो। यहाँ पे बताओ क्या करना है, ये क्या है? ये वॉल, इस वॉल को लगा दे पूरी पे, उसके बाद ये वाली, अच्छी तो फ्लोर है, ये वाली वॉल दे जो की लगेगी इस वाली वॉल पे। नेक्स्ट, ये खत्म हो गया माल, खत्म हो गया, फटाफट माल दो मेरे को। तेरे को क्या चाहिए भाई? वन बेडरूम नहीं है, अगला आंदे। चलो भाई माल लिया आ जाओ। ये लगेगा इस पे, इसके बाद ये लगेगा यहाँ पे, एक होगी ये दीवार, उसके बाद एक ये। चलो भाई यहाँ पे लग गया है, अभी जो है अंदर की साइड ये वाली कर देते हैं, ये जो बची हुई है इस पे, और एक बचा हुआ ये। लेट्स, अरे खत्म हो जाता है माल, खत्म हो जाता है मेरा। धीरे इसको लगाओ, उसके बाद ये आवाज कहीं की आ रही है, जनरेटर जैसी। ये भी खत्म हो गया माल, बताओ कोई बात है? आवाज कहाँ से आ रही है भाई? अरे अच्छा बस आई। अरे मुझे बस स्टैंड भी अपग्रेड करना था, बताओ बस स्टैंड भी अपग्रेड नहीं कर पाया हूँ अभी तक मैं। लेकिन ठीक है, कई सारी चीजें मैंने मैक्स कर दी, जैसे कि फ्यूल स्टेशन, और उसके बाद और कुछ भी मैक्स कराया मैंने, ध्यान नहीं आ रहा मेरे को क्या मैक्स कराया। बाकी कुछ वॉल्स यहाँ पड़ी हुई है मेरी, वॉल्स देना मुझे जरा ऊपर। अरे ऊपर रख दिए, मैं चढ़ तक नहीं पा रहा हूँ ऊपर, बताओ। ओ ये क्या है? ये तो वॉल है नहीं, ये तो सीलिंग है। ऊपर चढ़ो, ये उतारो, ये लो। और यहाँ पे थोड़ी रखा, यहाँ ठीक, ये सारा माल उठा लो। हाँ ले चक में आ गया, माल दो मेरे को। ये माल है पूरा ठेला लाल, सॉरी लाल, अरे लाल होता है वो ठेला, लाल होता है माल नहीं होता। अबे छत वाला तो लाया ही नहीं मैं, फालतू माल उठा के लाया, छत वाला माल तो उठाया ही नहीं। ये नहीं है ये, ओ ये रहा मिल गया। अबे नहीं छत का माल नहीं है, ये तो वॉल का ही माल है। ये लगाओ, उसके बाद ये हो गया डन। चलो अरे कहां से रह जाते हैं, कुचर गली से रह जाते। एक रह गई बताओ, एक रह गई है सिंगल। और ये देखो अबे बस आती नहीं है कि तुम इस भीड़ कदर से आते हो। नहीं है भाई रूम अवेलेबल ही नहीं है मेरे, रूम बन रहे हैं, तीन रूम एक साथ बन जाएंगे देखो तुम। अभी तगड़ी चीज है, तगड़ी चीज, ठीक है? ये उठा लो, चलो उठा लिया भाई, सारा माल उठा लिया। अब ये दो मेरे को, ये सीलिंग है ना, ये लगी सीलिंग सीधी पूरे पे, और ये लगी पूरे पे, बचा ये भी हो गया। लो भाई डंडारा, चलती क्या तू 2, 9 से 12? अरे रह गया थोड़ा सा, मत चलो अभी काम करके चलेंगे। कहां तक रह गया था? ये रह गया। हाँ अबे अब वॉल ही नहीं है मेरे पास, सीलिंग ही नहीं है। अब कहां तो सीलिंग की अति हो रही थी, कहां सीलिंग ही खत्म हो गई मेरी, कर लो बात। सीलिंग ही नहीं है मेरे पास, खत्म हो गई ये सीलिंग। थोड़ी बहुत तो होगी यार, देखो हल्की फुल्की तो होगी, ऐसे मत बोलना। बस बाथरूम की दो टाइलें
बच गई है सीलिंग के लिए, देखो ये वाली। अरे यार इन लोगों ने तो मरवा दी, बताओ है ही नहीं, सीलिंग ही नहीं है इसमें, सीलिंग रही है क्या कहीं? ओ नहीं, इसमें भी सीलिंग नहीं रही कहीं पे। लाओ भाई वॉल है तो वॉल ही दे दो तुम, उस वाले बाथरूम में वॉल रह गई है, वॉल लगा दूं। यहां से लेके ये लगेगी वॉल ऐसे, ये लगेगी वॉल ऐसे, ये बच गई, ये लग गई। चलो इस पे नहीं लगेगी ये पूरी अभी, तो इस डेकोरेशन वाला माल कहां है यार, ये डेकोरेशन वाला माल उठाया, इसको लगा दिया इस पे। अरे शिट, अरे गलत जगह लगा दी, इधर तो ये लगा दी थी, इधर लगानी थी। अरे भाई लैंप मंगानी पड़ेगी मुझे, पहले मैं लैंप मंगाऊं यार, हट जाओ, भाड़ में गई दुनियादारी, खर्चा कर दिया प्रो मैक्स फालतू वाला। कोई रूम खाली है क्या जरा मुझे? अरे क्यों आके बैठे हो, रूम खाली नहीं है, मैं मॉडल बंद करो पहले। क्या है दीदी? दीदी देखो बात ऐसी नहीं है, रूम आने दो। अबे ऑफिस बंद कर दिया फिर भी आते क्यों जा रहे हैं, मॉडल बंद समझ में नहीं आ रही। अच्छा चेकआउट के लिए आ रहे हैं, फिर ठीक है। रूम नंबर 5 चेकआउट कर दिया, कितने रूम चाहिए तेरे को? 1 बेडरूम चाहिए, रुक जा होल्ड ऑन। रूम नंबर 5 खाली किया ना इसने, देख के आने मुझे जरा। और रूम नंबर 1 भी खाली हो गया, रुक जाओ इसकी, इसका उठाने दो पहले, वेट फॉर अ मिनट, उसको आने दो। चलो भाई रूम नंबर 1 की आ गई है मेरे पास, अभी जो है इसमें जाके फटाफट से बस ये उठाने का है, उसके बाद ये उठाने का है, इन सबको यहाँ रखो ठीक है। और ये क्या है? अरे मैं डर गया था एक सेकंड के लिए, इसको यहाँ रखो ऐसे। ये आ गया साफ, कर्मचारी आ गई है हमारे यहाँ पे, मुझे रखना है इसके अंदर एक टॉयलेट पेपर, उसके बाद कुछ टॉयलेट्रीज, जो कि भाई बहुत जल्दी जल्दी रख देता हूँ मैं, देख रहे हो स्पीड बहुत तेज हो गई है मेरी। ये लो टॉयलेट्री रख दिए मैंने, टावल रखने इसके अंदर 2, टावल नंबर 1 टावल नंबर 2। अरे ये टावल यहाँ आएगा ही नहीं, यहाँ रख देता हूँ मैं। चलो ठीक है, ये रूम हो गया रेडी। अच्छा अभी रेडी नहीं हुआ है, बेडशीट बिछानी है, उसके बाद एक ब्लैंकेट बिछाना है। अभी रेडी हो गया, एक 96 आवर्स के लिए लेने आई थी, रूम नंबर 1 दे देता हूँ उसको ठीक है। ला रूम नंबर 1 रख यहाँ पे, वेट फॉर अ मिनट, ये दीदी लेने आई थी 96 आवर्स के लिए, मेरा बेड रखो अंदर। दीदी टेक दिस रूम, चल टेक द पेमेंट, लेट्स गो। अभी ये सारा माल में डाल के आ जाता हूँ धोने के लिए, 1 2 3 स्टार्ट कर दे भाई। और अभी देखते हैं अभी कौन सा रूम रह रहा है, रूम नंबर 5 रह रहा है ठीक है साफ करने के लिए, तो रूम नंबर 5 में ये बिछा देंगे। रूम नंबर 5 तो आलिशान वाला यार, एम्प्लॉय स्टॉप्ड वर्किंग, साले चिंदी लोग हैं भाई, 2 रुपए के लिए काम करना छोड़ दे। कोई यहाँ पकड़ को, और तू रुक रहे भाई, इन सबको और डालो अंदर, अब स्टार्ट हो जाए ठीक है। चल ओए रूम नहीं है मेरे पास, चल जा बग जा, सॉरी नो रूम अवेलेबल। अभी ये रूम रेडी करना है, बाकी ये रूम रेडी हो रहे हैं, धीरे धीरे हो जाएंगे। यहाँ पे लैंप मंगानी है पहले, तो हाँ लैंप मंगाऊं मैं, और मैंने वो ऑर्डर अरे कार्ट में ऐड करके रख रखा है, बट ऑर्डर कर नहीं रहा हूँ मैं, पता नहीं क्या क्या अपग्रेडेशन कर डाले मैंने। सामान मंगाना था मेरे को अच्छा खासा इन रूमों के लिए, सामान नहीं मंगा पाया। चलो कोई बात नहीं भाई, ये सारे एक साथ रूम रेडी होंगे, कोई बात देखते जाओ। 2700 रुपए आ गए ना, ये 32 हो गए, यहाँ से और आ गए, हो जाएगा इस बार ऑर्डर कर दूंगा। वो ऑर्डर होते ही मैं उसका सामान लगाना चालू कर दूंगा। चलो और अपना 3rd स्टार कंप्लीट हो गया, ओह लेट्स गो भाई। अरे उठ पागल से, अरे पागल आदमी उठ जाए यार एक सेकंड। ऑर्डर अभी करा नहीं है, डिलीवरी में चलो, कार्ट में चलो, इसको करो ऑर्डर, अब सो जा, दो घंटे के लिए सो जा आराम से, बढ़िया नींद ले ले। डिलीवरी जब तक अपने वेयर हाउस पे नहीं आती है जब तक सोता रहे बस, मुझे किसी चीज से मतलब नहीं है, मुझे चाहिए अब डिलीवरी। एम्प्लॉय स्टॉप्ड वर्किंग, अरे ये तो शिट कर दी मैंने, ये तो देखा ही नहीं, कौन से एम्प्लॉय की ऐसे हो गई। ये लो गैस स्टेशन पे जा तू पहले फटाफट, भगता हुआ, और कोई काम मत कर, तू जा एक वेयर हाउस पे, क्लीनिंग वाली को क्लीन कर दो, क्लीनिंग वाली को भी वेयर हाउस में लगा देता हूँ। चलो अभी सो जाऊं मैं वेयर हाउस, अरे डिलीवरी एट वेयर हाउस, चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। अरे ये लोग ने फिर जमाना चालू कर दिया होगा, बुद्धि भी तो आधी है इनमें। फेंको भाई सामान यहाँ से फेंको, वरना ये सब जमाने लग जाएंगे। नहीं ये जमाने का नहीं है, अरे अच्छा जमा दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मैं डायरेक्ट भी तो मंगा सकता हूँ ये सारे सामान। ठीक है जमा दो, सॉरी बाबू, ये सामान डालने का है इनके अंदर है ना। चलो ये उठाओ और ये पटको यहाँ। चल भाई ला 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 दे, टेंशन नहीं लेने का, ये हो गया ना पूरा, इसको यहाँ लगा, ये खराब हो गया था थोड़ा सा ठीक है। अरे हो गया था, ये वॉल भी हो गई थी, मुझे अंधेरे में नहीं दिखी यार। हिट कर देता हूँ मैं, बहुत गंदी वाली शिट कर देता हूँ। 1 2 इसमें आएंगे और 1 2 इसमें आएंगे ठीक है, उसके बाद ये बॉक्सेस बाहर निकालो, 1 2 3 4 5 6, एक ये उठाओ, एक ये एक। चलो एक बात तब दो मेरे को, इधर अंदर पूरा हो गया ना काम, अंदर पूरा है काम। उसके बाद में यहाँ पे और क्या है मेरे पास, एक सोफा सेट है जो कि यहीं लगेगा, एक सोफा सेट। ये क्या है, कर्टेन, अच्छा कर्टेन लगाओ इस पे, हटो यहाँ से हट जाओ, सामान तुमने खाली नहीं करा अब तक, छोटू लोगो तुम छोटे ही रहोगे। सब अंदर डालो, सारा माल डालो अंदर फटाफट, दिख नहीं रहा कुछ नहीं दिख रहा मेरे। अरे अरे फंस गया, सारा माल फंस गया, रुक जाओ इसको ढंग से रख देता हूँ मैं यहाँ पे। अब क्या माल बच गया, ओके लैंप्स बच गई, 1 2 3 4 5 है, सबको फेंक दो अंदर। चल भाई चल, अरे अपना काम करने लग जाओ फटाफट, ये हो गई खाली। चल भाई तू जा, ये सब टाइम पास बहुत करते मेरे कारीगर। अभी जितना माल आया भाई सब माल को यहाँ पे लगाते हैं ठीक है। और मेरे को एक चीज चाहिए, मेरे को थोड़ी सी भाई थोड़ी सी वॉल चाहिए प्लीज, थोड़ी सी मिल जाए, मैं अब 2-4 वॉल के लिए ऑर्डर ना करना पड़े यार, हल्की सी वॉल मिल जाए और हल्की सी सीलिंग मिल जाए, दोनों की एक एक पैकेट चलेगी। ये क्या है, ओके वॉल तो मिल गई मेरे को, ओए सामने मत लगाइयो मेरे, हाँ मार दूंगा। चल 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 जल्दी 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 जल्दी, यहाँ पे दिक्कत हुई थी नहीं, यहाँ दिक्कत नहीं हुई थी,
दिक्कत हुई थी इस वाले रूम के अंदर, यहाँ पे इसको लगाओ पूरी पे, ये हो गया परफेक्ट। सीलिंग पूरी हो रखी है, सीलिंग कहाँ की नहीं हो रखी थी फिर, यहाँ की भी हो रखी है सीलिंग तो। ओके यहाँ दिक्कत है सीलिंग में, सीलिंग होगी नहीं यार मेरे पास, ये भी वॉल्स ही है ना। ओ ये सीलिंग है, नहीं नहीं ये सीलिंग नहीं है, सीलिंग दे जाता भाई कोई सी मजा आ जाता बताओ। सीलिंग नहीं, एक बार देखा हूं मैं स्टोरेज रूम में, देखा हूं तो रूम का पेंट कंप्लीट हो जाएगा पूरा पूरा, देख के आने दो। पेंट कहीं भी मिल नहीं रहा यार, ये कबर्ड बाहर रखो पहले। ओके ओ मिल गई गाइस, सीलिंग मिल गई है मेरे को, सीलिंग मिल गई है। पर्दे और उठा लेता हूं मैं सारे, चलो चलो जल्दी चलो, 1 2 3 4 5 6 लाओ पर्दे लो पहले तो। सीलिंग किस में रह रही थी, यहाँ नहीं रह रही सीलिंग, सीलिंग रह रही है यहाँ पे, इसको लगाओ पूरी पे, ये लगाओ और हो गया काम ठीक है। उसके बाद मुझे चाहिए कुछ पर्दे, एक पर्दा यहाँ लगेगा। अरे यार ये अजीब तरीके का पर्दा है, इसमें 3 पर्दे लग गए, कोई बात है। और यहाँ पे भी ये लगा सकते हैं, बट ये वाला यहाँ नहीं लगाएंगे, बाथरूम के लिए अलग मंगाया मैंने। कारपेट दो एक यहाँ पे लगा दो कारपेट ठीक है। कर्टेन्स के अंदर मैंने बाथरूम वाले कर्टेन ही नहीं मंगाए, बहुत बढ़िया ये कर्टेन मंगाए। इन कर्टेन्स को लगाओ, एक को यहाँ, एक को यहाँ, और ये यहाँ लगेगा कर्टेन, भाग ले दूसरा मंगाएंगे। अब मुझे चाहिए सीलिंग लैंप, लाओ एक सीलिंग लैंप लगेगी यहाँ पे, दूसरी सीलिंग लैंप लगेगी यहाँ पे, तीसरी सीलिंग लैंप लगेगी इस कमरे में, चौथी सीलिंग लैंप लगेगी इस कमरे में, उसके बाद सीलिंग लैंप लगेगी एक बीचो बी यहाँ पे ठीक है। अब इसकी लाइट्स ऑन करता हूँ, बंद चालू बंद के बाद सीलिंग लैंप एक लगेगी यहाँ पे, इसकी भी ऑन करो भाई, लेट्स गो। चमचमाता वो कमरा, ये भी चमचमा गया भाई कमरा। और ये क्या है, अबे टॉयलेट सीट यहाँ कैसे आई, चल इसको यहाँ रख देता हूँ। नहीं इसके अंदर नहीं रखनी है, ब्लैक वाले में रखनी है भाई, ब्लैक वाले में टॉयलेट सीट दिखेगी नहीं, देखना ये देखो दिखी नहीं रही टॉयलेट सीट। अब ड्रॉर्स वगैरह लगाने, ड्रॉर्स वगैरह रखे हुए, बेड मैंने मंगाई नहीं है, बेड आई नहीं, बेडशीट वगैरह है, पिलो डोर भी नहीं मंगाए हैं, ये सब चीजें मंगाएंगे भाई। सिंक दे दो पहले, एक सिंक है ना मेरे पास, इस सिंक को यहाँ रख दिया मैंने। पेंट दोनों में कंप्लीट है भाई, तीसरे का पेंट देख लूं मैं जरा। और यार बाहर का भी अभी तो पेंट कंप्लीट हुआ नहीं है, इसको फेंको। और ओके इसमें ये वाली फ्लोरिंग रह रही है ना, फ्लोर तो मेरे पास बहुत सारा पड़ा है, 1 2 चलो फ्लोर कंप्लीट करता हूँ इसका। ये फ्लोर हुआ, उसके बाद ये एक ये, चलो भाई फ्लोर कंप्लीट हो गया है। अब मुझे दो सीलिंग लैंप, एक लगेगी यहाँ पे, एक लगेगी यहाँ पे, इसकी लाइट करो ऑन, और बीच वाली सीलिंग यहाँ लगा, थोड़ा सा यहाँ लगा, ये लगेगी थोड़ी सी यहाँ पे, एंड डन। चलो भाई ये दोनों बॉक्सेस उठाओ, इन दोनों बॉक्सेस को रखो यहाँ पे। अभी इसके अंदर मुझे लगानी कुछ सीलिंग, सीलिंग वगैरह है ही नहीं यार इतनी, सीलिंग और वॉल है जितनी है उतनी लगा देता हूँ ठीक है। बाकी तो मेरे पास यार वही बच गया है सारा माल, वॉल का, अच्छा वॉलपेपर वाला वॉल और बचा, मतलब वो डिजाइनर वॉल और बची है बस, बाकी तो फ्लोर ही फ्लोर बच गया है सारा। चलो भाई ये वाली डिजाइन ले आया हूं मैं, ये लगा देंगे, बची हुई पे ये लगाते, ये है दीवार की ठीक है। जहां जहां कम दीवार लगानी है ना, अरे यार ये तो पूरी नहीं हो पाएगी, बहुत ज्यादा ही कम है वो। सीलिंग तो यही वाली और मंगा लेंगे, बाकी ये है और यार ये तो कंप्लीट हो गया सारा माल, और मंगाना पड़ेगा बहुत सारा माल मंगाऊंगा। चलो ठीक है ये वॉल करते हैं अपन, ये वाली लाओ, ये पूरी वॉल करो ऐसी, ये वॉल करो ऐसी, अरे रहेगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। चलो भाई डन हो गया, डन 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 भाई। हरी वाली बहुत ही प्यारी लग रही है मेरे को तो, भले तो मुझे कितनी गाली है तो मुझे तो अच्छी लग रही। अभी इसको रखते हैं यहाँ पे, और तो कुछ मेरे पास है नहीं बढ़िया सा माल है ना, बाकी तो सारा मंगाना पड़ेगा मेरे को। बाकी एक अपना ये रूम खाली पड़ा है, अच्छा धुलने में पड़ी होगी इसकी सारी चीजें। हेलो दीदी चेकआउट हो गया, लो अपना रूम नंबर 7 भी खाली हो गया। तू कहाँ जा रहा है, हैं किधर जा रहा बताइए जरा मेरे को। पेट्रोल भराएगा, पेट्रोल भरा ले, पीछे मत जा पेट्रोल भरा, आगे चल आगे चल। हाँ भाई और दीदी आपका क्या चल रहा है? 600 रुपए। चलो भाई आज अपन ने तगड़े पैसे कमा लिए, और तगड़े पैसों के साथ साथ अपन ने 3 रूम अनलॉक कर दिए, और 2 रूम तो भाई रेडी हो गए, बस अब सामान मंगाना है, ज्यादा कुछ नहीं है। और 3rd रूम में आधा पेंट हो गया। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।